राजस्थान में सियासी सरगर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक और फोन टैपिंग का मुद्दा विधानसभा में तर्क वितर्क तो छोड़िए, बात हंगामे तक पहुंच गई, वहीं दूसरी ओर पायलट खेमे के अर्जुन विश्वेंद्र सिंह ने ट्विटर पर अपने इरादे बता सरकार के खिलाफ फिर जंग छेड़ दी। उन्होंने दिया कुमारी की ट्वीट रीट्वीट किया, जिसमें वे कहती हैं प्रदेश में विधायकों, केंद्रीय मंत्री और अन्य राजनीतिक स्वार्थों के कारण फोन टैपिंग प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। यह संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन और लोकतंत्र की हत्या है। विश्वेंद्र सिंह ने न केवल दिया कुमारी बल्कि हेमाराम चौधरी और ब्रजेंद्र सिंह ओला के बयानों का भी सोशल मीडिया पर समर्थन किया है, जो स्पष्ट करता है कि पायलट खेमे का यह अर्जुन अब चुप नहीं बैठेगा। अपने तंज के तीर छोड़ते हुए विश्वेंद्र सिंह ने लिखा, रोचक विचार, निर्वाचन क्षेत्र सबसे पहले है, निर्वाचक को कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसे नहीं भुगतना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे निशाना साधते हुए कहा, इज्जत से दो तो अनाज का एक दाना भी स्वीकार है, जो गैर मर्जी से दो तो विरासतें भी ठुकरा दूंगा। इस बयान को सरकार में भागीदार और उनके इलाके में विकास के कामों की मंजूरी में भेदभाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि पिछले साल जुलाई में जब विधायक खरीद फरोख्त के प्रकरण में फोन पर बातचीत के ऑडियो लीक हुए थे, उनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के नाम सामने आए थे। विश्वेंद्र सिंह अब तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब लगता है कि जो तीर अब तक तरकश में पड़े थे वो कमान का रुख ले रहे हैं। क्या पायलट खेमे के सैनिक फिर युद्ध की तैयारी में हैं? चाहे बयान हेमाराम चौधरी का हो या ब्रजेंद्र सिंह के तर्क, सभी गहलोत सरकार से नाराजगी और कहीं जाने वही बगावत की ओर इशारा करती है। सड़क और पुल अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सचिन पायलट समर्थक गुड़ा मलानी विधायक हेमाराम चौधरी और झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र सिंह ओला ने सरकार पर निशाना साधा। दोनों विधायकों ने सड़क निर्माण में उनके क्षेत्र के साथ भेदभाव का खुलकर आरोप लगाया। इससे पहले पायलट समर्थक तीन विधायकों ने SC ST विधायकों के साथ भेदभाव का गहलोत सरकार पर आरोप लगाया था। अब दो विधायक और मैदान में आ गए, यानी एक हफ्ते में 5 पायलट समर्थक विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। परंतु ये तो साफ है कि एक बार फिर राजस्थान में सियासत के बादल छाते नजर आ रहे हैं। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।